आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेम नंबर के व्हाट्सएप को दो डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये वाला अकाउंट है, इसको अब मैं इसमें लॉगिन करूँगा बिना इससे लॉग आउट हुए। जैसे कि आपको पता है जैसे ही हम नंबर डाल के इसमें एंटर करते हैं तो पहला वाला लॉग आउट हो जाता है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम दो डिवाइस में सेम व्हाट्सएप चला सकें। ओके, सो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले दूसरे फ़ोन में आना है जिसमें आपको व्हाट्सएप लॉगिन करना है। उसके बाद आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको इकॉग्निटो मोड में आना है। इकॉग्निटो मोड में आने के बाद ये तीन डॉट जो यहाँ पे आपको मिलेगा इसे आपको क्लिक करना है। जस्ट वेट, ये मैं तीन डॉट को क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैं लिखा व्हाट्सएप वेब, ओके व्हाट्सएप वेब लिखा, उसके बाद सर्च किया। फिर ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सिंपल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करता हूँ। व्हाट्सएप वेब पे क्लिक किया, जस्ट अब कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। अब हमको वापस अपने फ़ोन पे आ जाना है। अब यहाँ पे नॉर्मल ये तीन डॉट का इसमें भी क्लिक करना है, तीन डॉट क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक डिवाइस, फिर यहाँ पे लिंक डिवाइस को क्लिक करना है। फिर जस्ट यहाँ पे पहले से चार डिवाइस है तो मैं इसको पहले लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट, अब ये लिंक डिवाइस किया, यूज़ मोबाइल डेटा किया। अब यहाँ पे आपको एक बार अपना फिंगरप्रिंट देना है, फिर यहाँ पे जो QR कोड है आपको इसको स्कैन करना है। ओके, ये देखिए ये स्कैन हो रहा है। अब देखिएगा ये सेम WhatsApp है वो इसमें ओपन हो जाएगा। भले इसमें थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा यूज़ करना, लेकिन वो सेम WhatsApp आप इसमें ओपन कर सकते हो और टाइप करके जो भी मैसेजेस है वो सेंड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेम नंबर से दो डिवाइस पे WhatsApp चला सकते हो। जस्ट वेट, अभी ये लॉगिन हो रहा है, उसके बाद इसका जितने भी मैसेजेस है सब इसमें आपको दिखने लगेंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये देखिए इसका प्रोसेस हो चुका है पूरा। अब थोड़ी देर में इसमें भी ये जो जितने भी मैसेजेस हैं वो इसमें आ जाएंगे। ये देखिए सारे मैसेजेस इसमें आ चुके हैं कम्प्लीटली। तो अब आप इसमें से चाहो तो रिप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें से एक मैसेज ओपन किया। अब आप यहाँ से देखो रिप्लाई कर सकते हो कि चाहो तो, यहाँ पे ये एडमिन्स वाला ही है करके नहीं दिखा रहा, बाकी इस तरीके से आप देख सकते हो प्रॉपर मैसेजेस वैसेजेस सब आपको यहाँ पे दिखेंगे और वो बिल्कुल सेम ही है। जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा, ये देखिए पूरा सेम ही है ये। ओके, सो इस तरीके से आप सेम नंबर का व्हाट्सएप दो डिवाइस पर चला सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है बट ये वर्क करता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।